हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। तो वक्त हो गया है दोपहर की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो चलिए जानते हैं आज दोपहर की बड़ी खबरें। ममता बनर्जी ने कहा, राज्य सरकार की नौकरियों में स्थानीय लोगों को दी जाएगी प्राथमिकता। जी हाँ, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य सरकार की नौकरियों में पश्चिम बंगाल के लोगों और बंगाली भाषा जानने वाले लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति राज्य से है जिसकी मातृभाषा बंगला नहीं है लेकिन वह बंगला जानता है तो उसे राज्य सरकार की नौकरियों में निश्चित तौर पर प्राथमिकता मिलनी चाहिए। यह देश 2033 तक बंद करने जा रहा है 2G 3G मोबाइल फोन नेटवर्क। जी हाँ, यूनाइटेड किंगडम 2033 तक 2G और 3G मोबाइल नेटवर्क को चरणबद्ध तरीके से बंद कर देगा ताकि दूर संचार आपूर्ति श्रृंखलाओं की सुरक्षा को बढ़ाया जा सके और 5G विस्तार और तेज भविष्य के नेटवर्क के लिए जगह बनाई जा सके। सरकार का कहना है कि पुराने हो रहे नेटवर्क के बंद होने से यूके की 5G महत्वाकांक्षाओं में तेजी आएगी। CDS विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका का शुक्रवार को दिल्ली में होगा अंतिम संस्कार। जी हां, तमिलनाडु में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत के निधन के बाद शुक्रवार को दिल्ली छावनी में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बकौल रिपोर्ट्स, वेलिंगटन में अंतिम सलामी दिए जाने के बाद गुरुवार को उनका पार्थिव शरीर एक सैन्य विमान द्वारा दिल्ली लाया जाएगा। चयन समिति ने लिया रोहित शर्मा को एक दिवसीय T20 कप्तान बनाने का फैसला। जी हां, BCCI ने रोहित शर्मा को भारतीय क्रिकेट टीम का नया वनडे कप्तान नियुक्त किया है। वह जनवरी 2022 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 एक दिवसीय मैच की श्रृंखला में विराट कोहली से कप्तानी संभालेंगे। BCCI ने ट्वीट किया कि अखिल भारतीय सीनियर चयन समिति ने रोहित शर्मा को वनडे और T20 कप्तान बनाने का फैसला किया है। किसान संघों ने किया सरकार का प्रस्ताव स्वीकार, हड़ताल वापस लेने पर निर्णय आज। जी हां, SKM ने किसानों के लंबित मुद्दों को संबोधित करने वाले केंद्र सरकार के मसौदा प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, जबकि किसान नेताओं को सरकारी लेटर हेड पर औपचारिक संचार की मांग की थी और अब आंदोलन के भविष्य के कदमों को तय करने के लिए बैठक होगी। केंद्र ने SKM की प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए एक विस्तृत मसौदा भेजा था। झारखंड ने कोविड पीड़ितों के परिजनों को 50,000 रुपये राशि देने की घोषणा की। जी हां, झारखंड सरकार ने राज्य में कोविड-19 से जान गंवाने वाले 51,000 से अधिक व्यक्तियों में से प्रत्येक के परिवार को 50,000 रुपये की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। राज्य के स्वास्थ्य और आपदा प्रबंध मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि सरकार ने 15 जिलों को क्रमशः पंजीकृत पीड़ितों के अनुपात में 26.26 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर हुई बड़ी घोषणा, सरकार ने बनाए नए नियम। जी हां, सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए नियम के अनुसार अब आपको RTO जाकर कोई भी ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय द्वारा इस नियम की घोषणा की गई है। ये नियम इसी महीने से लागू हो चुके हैं। इस नए बदलाव से उन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी जो अपने लाइसेंस के लिए कतारों में हैं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।